हेलो फ्रेंड्स, आज हम टमाटर लगाएंगे क्रेट के अंदर। टमाटर की क्रेट क्रेट के अंदर लगाएंगे। ये टमाटर की क्रेट है और इसी के अंदर हम टमाटर लगाएंगे। मार्केट में इसमें टमाटर मिलता है तो इसमें हम आज टमाटर लगाएंगे। हम बहुत लेट हो गए, हमारे पौध बहुत बड़े बड़े हो गए। देखो बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत सारे पौध मैंने उगा रखे हैं, बहुत है मेरे पास टमाटर। एक में मैं कई सारा लगा दूंगी। कई बार क्या होता है कि जैसे ना लगा या बंदर उखेड़ के फेंक गया। हमारे तो बंदर फेंक जाता है, वैसे तो लग जाता है लेकिन बंदर उखाड़ के फेंक जाता है। हम बंदर से बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ से हम पिंच कर देंगे। देखो इसमें हम कर चुके हैं पिंच, पिंच कर देंगे ताकि वो ध्यान इस पर ना दे, वो अपने जड़ों पे ध्यान देगा। जब जड़ पे ध्यान देगा ना तो ये जल्दी से सेट हो जाएगा। अब ये मिट्टी और डालेंगे इसके ऊपर। ये तो आपको दिखाने के लिए हमने ऐसे ही कर दिया है। नीचे हमने डाल रखा है सूखे हुए पत्ते और गोबर, गोबर खाद और बदरपुर, जिससे कि मकान बनता है। थोड़े थोड़े से डाल रखे हैं। कल हमने इसमें लगाया था, कल इसमें लगाया था। देखो खड़ा हो गया ना ये सही से। कल लगाया था इसको, तीन पौध लगाई हूँ इसमें। लो चौथा और भी लगा देती हूँ। अगर बंदर उखेड़ जाएगा तो एक आग तो बचेगा, इसलिए तीन तीन चार चार पौधा लगा देती हूँ ताकि बंदर उखाड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर भी खा जाता है, टमाटर खा जाए कोई बात नहीं, बस पौधा मत उखाड़े हमारा। क्या करें, उन्हें बेचारों को पता तो होता नहीं है। अभी हम लगा चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा मिट्टी और हम इसमें चढ़ाएंगे क्योंकि मिट्टी बहुत कम है। देखो पूरी क्रेट देखो खाली पड़ी है, ये देखो है ना। तो मिट्टी जो है डालेंगे थोड़ी सी बनी हुई मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना सारे फूल। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें देखो हमने पिंचिंग किया था, आपको हमने बताया था। और देखो कितने सारे फूल अब इसमें आ गए हैं पिंचिंग करने के बाद। ये डेंथस है, डेंथस का पौधा है। देखो टमाटर कितने लगा रखे हैं हमने, ये देखो
ये सब टमाटर के पौध हैं, देखो दिख रहा ना, ये पौध है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब पौध हैं, बहुत पौध हैं हमारे पास। देखो फ्रेंड्स, देखो बंदर एक गमला भी तोड़ गया, देखो टूटा पड़ा ना गमला, बंदर तोड़ जाता है। देखो डॉग कैसे खिल रहे हैं ना, सदाबहार भी खिल रहा अच्छा से। देखो उसी में से हम टमाटर निकाल के लगा दिए थे इसमें, तो अब इसमें देखो टमाटर भी आने लग गया। ये देखो चेरी टमाटर हैं, ये छोटे छोटे से दोनों तरह का बीज डाली थी, ये तो चेरी निकला, वो पता नहीं कैसा निकलेगा अभी। इसी में फूल भी खिल रहा है, ये देखो अब ये मुरझा रहे हैं, देखो कितने फूल हैं ना, ये देखो टमाटर में फूल, फूल ही फूल भरे पड़े हैं, खूब सारे टमाटर आ जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ना, एक ही गमले में दो दो चीज़ लगाओ तो देखो अब ये फूल हमारा मुरझा जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा, तो ये टमाटर हमारा इसी में टमाटर चलता रहेगा। तो ये देखो टमाटर कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ना, ये देखो, देखो इसकी सेहत कितनी अच्छी है, ग्रोथ। देखो पेपर फ्लावर अभी भी खिल रहा है, ये देखो अब इनकी सीड निकालूंगी, ये दूसरा वाला देखो, ये सीड है, दिख रहा ना ऊपर ही ऊपर रुई की तरह, ये सीड है इसका। और देखो ये लंबे टाइम से खिल रहा है, ये देखो गार्डन को इतना खूबसूरत इनने बना दिया। ये दूसरा वाला कलर है, ये वाला है दूसरा कलर, गिरा ना। ये हमने गर्मियों की तैयारी कर ली है, ये देखो लगा दिया, अब इनमें फूल आ जाएंगे, बहुत सारे लगा रखे हैं। देखो पीले कलर का डॉग है ये, ये भी डॉग है। देखो मनी प्लांट अब इसके ग्रोथ शुरू हो गए अपने आप, अभी मुरझा गया था। देखो इसमें लगा रखी हूँ, बड़ा गमला दिया मैंने मनी प्लांट के लिए, क्योंकि ये बड़ा वाला है ना, तो इसलिए बड़ा दिया है। देखो फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला है, चौड़े पत्ते वाला है, तो इसी में हमने छोटा भी लगा दिया है और बड़ा भी लगा दिया। देखो ये डॉग है, वही पिंचिंग जो कर दी थी, अब इसमें फूल आने चालू हो गया है, ये देखो। मुरझा रहे हैं ये,
फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।